हर एज के लिए दीज थिंग्स आर जस्ट गुड. गुड़ डाल दो. नहीं, कुछ न्यूट्रिशन पढ़ा था. इट्स रोलिंग राइट. हेलो जी, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ द क्लासी शेफ शो. Today I have a very inspiring guest with me. She has been a mentor and a major contributor in my fitness journey. So basically it was 2014. I just completed my schooling. It was my college first year. I went on a trip with my boyfriend, now husband, to Amritsar, and there was this girl with us in the group, Amanpreet. She introduced me to her dietitian, Sonia Narang. That's when I came to know about her. I used to be 84 kilos, overweight and obese with PCOD. That's when I started my journey with Sonia Narang. I'll not bore you more with my sad teenage years now, because Sonia has an interesting challenge for me and I can't wait for it. Here she is. Thank you so very much, Pavitra. Thank you so, so very much for having me. Mujhe aise dar bhi lag raha hai thoda thoda, but I'm really excited for the challenge. So am I. Batao phir Sonia, kya hai aaj ka challenge? आज का चैलेंज ये है कि जब मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मैं बहुत इंस्पायर भी होती हूँ, बहुत मुझे मज़ा आता है. बट जस्ट टेल मी वन थिंग, वाइल जो भी आप बनाते हो, द टेस्ट बड्स डू अ हैप्पी डांस, बट डू यू सी कि हमारा बॉडी शुड ऑल्सो बी डूइंग द विक्ट्री शिमिंग, कि न्यूट्रिशन उसमें अच्छा है कि नहीं. सो नाउ टुडेज चैलेंज इज कि आप जो भी बना रहे हो, मुझे उसमें न्यूट्रिशन देखना है. बट आई लव माई कम्फर्ट मील्स. आई सी दैट, बट देन जो भी आपकी जर्नी रही है, आई एम श्योर कम्फर्ट मील में आपने कहीं ना कहीं कोई हैक होगा जो आपको पता है कि मैंने उसको बैलेंस कैसे करना है. सो आई रियली वांट आवर ऑडियंस टू नो दैट हाउ डू वी स्ट्राइक अ बैलेंस. थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट आई थिंक पवित्रा कैन डू इट. चलो फिर करते हैं शुरू. यस, टुडे आई एम यूजिंग द बेटर फ्लावर पास्ता टू मेक अ बैलेंस्ड मील. सबसे पहले पानी में मैक्रोनी को बॉइल कर लो विद सम सॉल्ट एंड ऑलिव ऑयल. तड़के के लिए आई एम यूजिंग अ मिक्स ऑफ ऑयल प्लस घी. कढ़ाई में डालो जीरा, मिर्ची, प्याज एंड टमाटर. नमक और मिर्ची डाल के अच्छे से भून लो जब तक टमाटर तेल ना छोड़ दे. हे अगेन पवित्रा. हाय, इट्स अ डिलाइट टू वॉच यू. इट्स रियली, क्या बना रहे हो आप ये? ये मैं मैक्रोनी बना रही हूँ. व्हेन इट कम्स टू कंफर्ट, कंफर्ट आई वाज वंडरिंग. हाँ, लेकिन इसमें हेल्थ का ध्यान दिया हमने. आप बिल्कुल टेंशन मत लो. हाँ, ये काफी हेल्दी और टेस्टी मैक्रोनी है. पक्की बात है. आई एम गोइंग टू मेक इट अ बैलेंस्ड मील. हाँ, सो बेसिकली आई एम मेकिंग सम सॉटे वेजीज एंड फॉर प्रोटीन आई एम एडिंग अ ग्रिल्ड पनीर स्टेक विद अ स्ट्रॉबेरी सालसा. तो आई एम मेकिंग श्योर देर आर हेल्दी कार्ब्स, सम प्रोटीन, सम फाइबर एंड सम एंटीऑक्सीडेंट्स. एंड कैन आई सी दिस? हाँ जी. और एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करके आपने वेजिटेबल्स भी डाल ली हैं. हाँ जी. सो ये कंफर्ट फूड और ये सब कुछ, यू श्योर इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी टेस्टी? बिकॉज यूजुअली पीपल हैव दिस परसेप्शन कि अगर ये हेल्दी बना रहे हैं तो इसमें तो फिर पता नहीं टेस्ट आएगा कि नहीं. वो आप टेंशन मत लो, वो जब टेस्ट टेस्ट होगा ना, आई एम 80% कॉन्फिडेंट दैट यू लाइक इट. ऑसम. मैक्रोनी बॉयल हो जाए तो उसको ठंडे पानी से रिंस कर लो और उसमें ऑलिव ऑयल डाल दो. तड़का तेल छोड़ दे तो उसमें बॉईल की हुई मैक्रोनी डाल के अच्छे से मिक्स कर ले. बारीक बारीक धनिया डाल के मैक्रोनी को गार्निश कर लो. टमाटर का खट्टापन सेटल करने के लिए थोड़ा सा गुड़ डाल दो. स्ट्रॉबेरी, प्याज, लहसुन, बेसिल, हरी मिर्च और थोड़ा सा गुड़ एंड नमक डाल के एक स्ट्रॉबेरी सालसा बना लो. We will serve this strawberry sauce with grilled paneer. पनीर की पतली पतली स्लाइसेस करके एक कास्ट आयरन पैन पे ग्रिल कर लो. Look at those grilled lines. गार्लिक और कटी हुई वेजिटेबल्स डाल के हाई फ्लेम पे टॉस कर लो. नमक, काली मिर्च, पार्सली एंड चीज डालो एंड योर सॉटे वेजिटेबल्स आर रेडी. एंड में थोड़ा सा लेमन जूस डाल के सर्व करो. गई, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और बस. हाँ, खाना भी रेडी है एकदम. स्मेलिंग गुड. द वेजीज आर रेडी, ग्रिल्ड पनीर इज रेडी, मैक्रोनी इज रेडी, माय स्ट्रॉबेरी सॉस इज देयर. आई एम जस्ट रीथिंकिंग द प्रेजेंटेशन राइट नाउ. शुड आई? उसके भी नंबर होते हैं.
आई हैव टू रियली पुट एन एफर्ट देयर देन. मैं एक मिनट लवांगी प्रेजेंटेशन वास्ते फटाफट प्लेट और टाइम लो बिकॉज आई कांट वेट नाउ. एक मिनट ही लेना. डन. ओनली वन मिनट. चलो जी. आई एम सुपर हंग्री एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. सुपर एक्साइटेड टू मेक यू टेस्ट दिस. ऑसम पवित्रा. टेस्ट तो मैं करती हूँ मगर इसको छेड़ने का भी दिल नहीं कर रहा मेरा. वो इतना ब्यूटीफुली प्लेटेड है. सो कहाँ से शुरू करूँ पहले? मैक्रोनी. हाँ मैक्रोनी. क्या तड़का लगाया था इसमें? टमाटर प्याज. टमाटर प्याज और हरी मिर्च. फ्रेश एंड ऑसम. ऑसम ऑसम. यस वेरी पक्का. हम टेस्ट की भी बात करते हैं. हाँ जी. साथ में हम सो थ्रिल्ड कि कंफर्ट फूड था बट इसमें जो आपने ये अनसंग हीरोज डाले ना वेजिटेबल्स डाल के, जो मम्मी वाली खुशी मिल रही है मुझे कि बच्चे वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं साथ में. इसको किसमें सॉटे किया? गार्लिक, ऑलिव ऑयल, सम फ्रेश पार्सली एंड सॉल्ट एंड पेपर. ऑसम. इसके लिए आई वॉज लिटल डाउटफुल, स्केप्टिकल बिकॉज मैंने कभी पहले ऐसा सोचा नहीं कि स्ट्रॉबेरी सॉस एंड पनीर. ये थोड़ा सा ब्लैंड लग सकता है क्योंकि स्ट्रॉबेरी सॉस अच्छे से मेरे को लग रहा है उसमें कोने वाले पीस में है नहीं. कोने वाले पीस में नहीं है? थोड़ा सा है. मैं इधर से निकालती हूँ. ये बहुत अच्छा है. एक मिनट, ये बाद में आया टेस्ट. This is yum. Because वही बात है, हम बात कर रहे थे इनोवेशन की. सो दिस इज डेफिनेटली वेरी इनोवेटिव. ये कम्फर्ट फूड भी है, हेल्दी भी है, लेकिन बनाया किसमें है? The cooking vessel. The paneer is grilled on a cast iron skillet. Awesome यार. Seriously, ये सबको try करने से पहले कुछ nutrition पढ़ा था? आपसे शुरुआत की थी. Because everything जब हम बात करते हैं ना कंफर्ट फूड की या नॉर्मली भी जब मैं न्यूट्रिशन की बात करती हूँ, मुझे लगता है किस एज से हम शुरू कर सकते हैं. आई कैन गिव इट टू माय किड्स, आई कैन गिव इट, आई कैन ईट माय सेल्फ, देन टू माय पेरेंट्स एंड द ग्रैंड पेरेंट्स. हर एज के लिए दीज थिंग्स आर जस्ट गुड. एस्थेटिक वाइज, कलर, टेक्सचर, फ्लेवर, न्यूट्रिशन और फिर सबसे ज़्यादा ये जो आपने खपली आटा वाला जो ये मैक्रोनी है ना, दिस इज डेफिनेटली नॉवेल्टी. I'm glad. This is the credit goes to the Better Flour. Awesome. They have done the innovation. They are doing their effort to, you know, make the comfort food as healthy as possible. I'm glad ki mujhe baithe bithaye itna acha aur itna nutritious meal mila.